गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आप हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर HTML पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर 6। सो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लिंकिंग और इमेजेस के बारे में रीड करेंगे, राइट? कि अगर हमको क्या करना है अपने HTML मींस अपने वेब पेज पे, हमको क्या करनी है, एक इमेज इंसर्ट करानी है या फिर मल्टीपल इमेजेस इंसर्ट करानी है, तो हम किस तरीके से करवा सकते हैं। ओके, हम अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं उस केस में, अलग अलग तरीक़ों से, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर करेंगे अपना HTML का, लाइक HTML। आई होप सो आपको विजिबल होगा, मैंने फॉर्मेट साइज़ जो आपका फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपका हेडर सेक्शन हेड एंड देन आपका टाइटल। टाइटल में क्या होता है, आपका नेम ऑफ द वेब पेज, आपके वेब पेज का जो नेम होगा। ओके, सो आई एम गिविंग इट्स इमेज डेमो, कि आपके इमेज का जो डेमो होगा वो होगा ये। ओके, सो नाउ वी विल क्लोज आवर टाइटल and as well as head section, right? So now we will continue with our body section. Body, जिसके अंदर मैं अपना एक background भी दे रही हूँ। background में आप BG color का use करेंगे, BGCOLOR, okay? If you write BG color, then you can use any color in your background of your web page, okay? Like this. And then I'm just closing my body section. Okay, and then I'm also closing my HTML. That's the mistake जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आपके हाफ ईयर एग्जाम में की थी। स्ट्रक्चर था, बॉडी तक किया है, बट HTML क्लोज किसी ने भी नहीं किया। Now we will save at desktop. Desktop पे सेव करेंगे किससे, इमेज डेमो के नेम से, डॉट HTML करके। ओके, डॉट HTML एंड देन एंटर। ओके, इट्स सेव्ड। नाउ डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, देखो यहाँ पे आपका इमेज डेमो है, डबल क्लिक देन क्रॉस, यू कैन सी अ रेड स्क्रीन ओवर देयर, राइट? इफ आई एम चेंजिंग हियर टू द ब्लू, से ब्लू एंड सेव करा मैंने कंट्रोल एस करके, एंड अपने एक्सप्लोरर पे गई, F5 प्रेस किया फॉर रिफ्रेश। ओके, रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश के लिए आप ये भी क्लिक कर सकते हैं, यू कैन सी रिफ्रेश F5। सो रिफ्रेश, यू कैन सी आपका ब्लू कलर हो चुका है। नाउ अगर मुझे अपना इमेज यूज करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड यूज करेंगे, BACK बैक ग्राउंड, GROUND ग्राउंड। ओके, और यहाँ पे हम अपनी इमेज का URL देंगे, URL मीन्स जो एड्रेस है जहाँ पे मेरी इमेज सेव है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगी, मैं आपको कॉपी करना चाह रही हूँ एड्रेस कैसे करेंगे। से मैं पिक्चर्स में गई, सैम्पल पिक्चर्स, मैंने ये इमेज ली है। ओके, दिस इमेज, सो जस्ट सिलेक्ट इट, देन आप इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज में से आप ये जो आपका लोकेशन है, राइट, ये लोकेशन, यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, आप इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, राइट, दिस कंप्लीट एड्रेस, कंट्रोल सी, देन नोट पैड पे यहाँ पे जाके आप कंट्रोल वी करेंगे। ओके, और आप एक बैक स्लैश ओल यूज करेंगे, द सिमिलर सिंबल। ओके, आफ्टर दिस आप दोबारा से वहीं पे जाएंगे एंड यहाँ से आप अपनी पिक्चर का जो नेम है वो कॉपी करेंगे, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके, सो कंट्रोल वी, एंड एक्सटेंशन इज रियली इम्पॉर्टेंट, सो .jpg आप एक्सटेंशन जरूर देंगे। ओके, सो नाउ सेव द चेंजेस, देन गो बैक टू योर एक्सप्लोरर एंड प्रेस F5। हियर यू कैन सी कि आपका एक इमेज सेट हो चुका है आपके बैकग्राउंड पे, राइट? सो ये था, नाउ आई एम जस्ट गोना जस्ट सिंपली रीसेट इट। ओके, एक सेकेंड, वेट, कंट्रोल वाई। ये मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देती हूँ, एज इट इज एड्रेस ब्लू। ओके, अब मुझे क्या करना है, इमेज इंसर्ट करना है, राइट? इमेज के लिए हम यूज करते हैं IMG टैग, IMG ये आपका टैग है।
ओके यहाँ पे आपका SRC का मतलब होता है सोर्स, IMG मतलब इमेज, SRC मतलब सोर्स, जरिया क्या रहेगा इमेज डालने का, राइट उस जरिया के लिए हम कंट्रोल V दबाएंगे, जो मेरी इमेज मैंने बताई थी आपको बैकग्राउंड में लगाने के लिए वही, ये एट्रीब्यूट। ओके नाउ ये आपका एम्प्टी टैग है, देखो मैंने इसमें कोई टेक्स्ट नहीं डाला। ओके सेव किया, मैं आपको डायरेक्ट पहले आउटपुट दिखाती हूँ, Ctrl F5। ओके यस ये पूरे पे ही कवर हो गया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपका स्क्रोल बार है, पहले जब आप बैकग्राउंड के लिए सेट किया था तब स्क्रोल बार नहीं था, बट अब है क्योंकि अब ये मेरा क्या है टेक्स्ट डल रहा, मतलब एक तरीके से डाटा है, मैं पूरी इमेज देख सकती हूँ, राइट मैं इसको रिसाइज भी कर सकती हूँ। रिसाइज किस तरीके से, हाइट एंड विड्थ देकर, हाइट एंड विड्थ किस तरीके से देंगे आपके, इसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज में देखो जो बुक में आपके काफी सारे एक्सटेंशन दिए हैं, GIF, JPEG, BMP, PNG एटसेट्रा। नाउ हम हाइट विड्थ देकर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं। ओके सो हम देंगे विड्थ से 100 स्पेस हाइट इक्वल्स टू 50। ओके नाउ जस्ट सेव, गो बैक देयर एंड प्रेस F5। यू कैन सी 105। ओके इस तरीके से ये क्या हो गया, चेंज हो चुका है। ओके ये आपकी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नाउ एवरीवन ऑफ यू विल थिंक कि यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड व्हाइट क्यों है, जबकि मैंने यहाँ तो ब्लू लिखा है, इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड का यूज जब हम करते हैं, जब हमें इमेज लगानी होती है, कलर के लिए हम क्या लिखेंगे, BG कलर। ओके अगर मुझे कोई कलर यूज करना है, सो आई विल राइट BG कलर नॉट बैकग्राउंड। नाउ यू कैन सी कि आपका पास क्या है, ब्लू बैकग्राउंड है और इमेज है, राइट सो उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। ओके कि हमें अलाइनमेंट क्या देनी है, कि भाई आपको राइट लेफ्ट बॉटम सेंटर अगर कुछ भी करना है तो आप यहां पे उसके एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। कर्सर लीजिए, मूव कीजिए। ओके आप इससे पहले कर लीजिए सिंपल अलाइन, ALIGN अलाइन, एंड देन यू कैन राइट हियर राइट, राइट में तो आई थिंक वो नहीं है, हाँ RAGHT राइट। ओके सेव, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास भी इम्पॉर्टेंट है, F5। नाउ यू कैन सी ये आपके राइट में शिफ्ट हो गई है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आज एक टैग बताती हूँ, एक कंटेनर टैग मार्क यू। ओके जिससे ना हमारा जो मूव टेक्स्ट है या कुछ भी है वो मूव करने लगता है। ओके एक्स्ट्रा नॉलेज MARCQUEE मार्क यू। ओके और इसको हम इमेज के एंड में भी लगाएंगे। ओके हम यहाँ बॉडी के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। मे बी स्पेलिंग एरर हो सकता है यहाँ पे, नो इश्यूज, लेट्स चेक F5। हाँ ओके सो मे बी यहाँ पे सी नहीं होगा, हो जाता है कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स। सो नाउ सेव, गोइंग बैक F5, यू कैन सी इट्स मूविंग। ओके फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट्स मूविंग। ओके सो ये हमारा क्या है, मार्क यू टैग, कि जो भी आप लिख रहे हैं टेक्स्ट है पिक्चर है वो मूव करेगा, ये लगाओ वो सर्कल लगा के पूरा का पूरा वापस आएगा। ओके जस्ट सिंपल, तो ये आज के लिए बस इतना ही कि आप हमने क्या किया है, अपना इमेज टैग किया है, राइट कि हमारा इमेज टैग किस तरीके से होगा। एक बार इसका साइज छोटा कर देती हूँ, फॉर्मेट Ctrl A फॉर्मेट फॉन्ट एंड सो क्वाइट स्मॉलर, और 26 इज क्वाइट गुड। ओके नो लाइक दिस, ओके सो दैट आप पूरा कोड देख सके, राइट यहाँ पे तो आप कुछ भी एड्रेस दे सकते हैं इमेज का। ओके मैं एक बार यहाँ पे एंटर टाइप कर देती हूँ सो दैट
कंट्रोल जेड यहाँ से है, एंटर, नो कंट्रोल जेड, एंटर। नाउ आपके लिए थोड़ा सही रहेगा अगर आप करना चाहें कि किस तरीके से होगा। ओके एंटर प्रेस की हूँ, हम थोड़ा और साइज छोटा कर देते हैं, फॉन्ट 22। ओके या नाउ यू कैन सी योर सैम्पल, या पिक्चर्स। ओके इस तरीके से पिक्चर्स तक आपके पास आएगा खुद ही कॉपी करके, या आपको लिख करना पड़ेगा अलग से। देन आपके हाइट विड्थ या आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। यहाँ पे मैंने आपको एक एक्स्ट्रा मार्की टैग बताया था। ओके तो ये आपका HTML का कोड है, बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो खुद से आप ट्राई करेंगे, समझेंगे कैसे क्या है, और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन जस्ट आस्क। ओके अलाइनमेंट्स आप अलग अलग दे सकते हैं, राइट लेफ्ट मिडिल टॉप बॉटम एनी। ओके और उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रैपिंग पढ़ेंगे और उसके बाद हम HTML के हाइपर लिंकिंग करेंगे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।